बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, का नेचर बहुत बढ़िया लगा। और ये हमारे को मतलब सही सलाह देते हैं कि ये चीज लगवाओ और ये चीज मत लगाओ। गाड़ी की जो जरूरत होती है उसी हिसाब से बताते हैं और प्राइस बहुत अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका न्यू नोटिस जोन में। मैं गुरु शर्मा, इस टाइम दोस्तों मैं खड़ा हूँ करोल बाग में, और करोल बाग में दोस्तों सोन मुनकार एक्सेसरीज के पास, क्योंकि दोस्तों मेरे आप साइड में देख रहे हो गाड़ी खड़ी है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का GX ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि फिलहाल कुछ ही टाइम पहले जो है टोयोटा ने अपनी इस हाई क्रॉस में जो है इंट्रोड्यूस किया। कुछ कुछ जो फीचर्स थे वो इस गाड़ी में GX ऑप्शनल के बाद जो है एड ऑन किए हैं और उसे नाम दे दिया GX ऑप्शनल। ठीक है, तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो एड ऑन की हैं, पर बहुत सारी चीज़ें जो है बच जाती हैं करोल बाग यानी आफ्टर मार्केट के लिए, और आफ्टर मार्केट काम होता है जो कि करोल बाग में, और करोल बाग में भी जो हाई क्रॉस का जो मेनली काम हो रहा है सोन मुनकार एक्सेसरीज के पास। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं इन शॉप के ओनर से, यानी कि मोनू भैया से। वही हमें बताएंगे तरीके से कि आज इस वाइट कलर की टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के GX ऑप्शनल वेरिएंट में उन्होंने क्या क्या जो एक्सेसरीज है इंस्टॉल की है। मोनू भैया कैसे हो? नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप बताओ क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। और आज फिर दोबारा से टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का GX ऑप्शनल वेरिएंट आपके पास है। तो हम लोग हाई क्रॉस पे वीडियो बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जी। ना कोई अदर वेरिएंट भी आते रहते हैं, तो आज वेरिएंट आते हैं पर गाड़ी तो हाई क्रॉस ही है। हाँ, खून तो वही है। यहाँ पे ये जो मॉडल पता है GXO है। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें फ्रंट से DRL लगा दिए गए हैं। ये फ्रंट से DRL है, बिल्कुल ठीक है। और ये बम्पर प्रोटेक्टर जो है, ये फिटिंग जो देख सकते हैं पूरा प्रॉपर फिटिंग होता है यहाँ पे। ये ग्रिल क्रोम, इसमें फिर टेप वगैरह लगा दिए। ये तो अपना बम्प, ये फ्रंट रन है, ये सिलिकॉन से लगाते हैं, कभी निकलेगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ कभी गिरेगा ही नहीं। फिर टेप लगा देते क्योंकि सूखने में टाइम लगता है, कम से कम 6 से 7 घंटे तो चाहिए होता है इसको सूखने के लिए। फिर ये टेप लगाते हैं, फिर आप टेप इसे हटा सकते हैं। आप 6-7 घंटे बाद या 12 घंटे बाद जब भी आपको लगे हटाना चाहिए तब इसे आप हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए और बताइए और क्या क्या है। और इस मॉडल में जो जरूरत की चीज़ें होती है, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे व्हील आर्च इसमें प्रॉपर फिटिंग कर दिए गए हैं, प्रॉपर नट के तहत इसको फिटिंग किया जाता है। नट के तहत और टेप लगाकर क्योंकि सिलिकॉन से फिटिंग करते हैं ना। हाँ जी, इसलिए टेप लगाते हैं ताकि इसकी फिटिंग ऊपर नीचे ना हो, है ना। हाँ जी, बिल्कुल वो चीज़ है। यहाँ पे ये फिटिंग कर दिए हैं 0-0 फुट रेस्ट। 0-0 फुट रेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब 0.0 पॉइंट से और यहाँ तक जो है यहाँ तक एंड आता है ये। तो मनवे ऐसे में ऊपर ऊंचे नीचे पर खड़ी है, तो एक बार आप चढ़ के दिखाइए क्या। बिल्कुल, मैं चढ़ के दिखाता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल चढ़ के दिखाइए। ये देखिए ये बात, बिल्कुल ठीक है। हर बार आप मुझे कहते हो कि चढ़ के दिखाओ। हाँ, आपको कस्टमर्स को पता लगना चाहिए ना कितनी ड्यूरेबिलिटी है आपके इस फुटरेस की। बहुत मजबूत है फुटरेस। हाँ जी, पूरा नक्के पे फिटिंग होता है ये, ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल कम नहीं करता। आपको ऐसा लगता है जैसे कंपनी फिटेड है, मतलब बॉडी का ही हिस्सा है, बाहर थोड़ा भी नहीं निकलता है। आप देख रहे हैं बॉडी से, मैं यहाँ से भी मैच करूँ तो बाहर नहीं निकला हुआ है। और ये नीचे इसके क्लिप्स होती हैं, 5 क्लिप होते हैं फिटिंग की हुई। गाइस यहाँ से देखिए आप, जो 5 क्लिप हैं इसके ऊपर ही बेस्ड रहता है। हाँ जी, यानी ये है इसका ड्यूरेबिलिटी का राज। बहुत 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 ठीक है। ये आपका हैंडल क्रोम, हैंडल हाफ वाला हैंडल क्रोम बहुत बढ़िया लगता है। अब वो फूल का जमाना जो है वो गया। ये गाड़ी में यहाँ पे डोर गार्ड ये लगा दी गई। अच्छा, ये लगा दिया। डोर वाइजर ये फिटिंग कर दिए गए हैं। अच्छा, क्रोम पट्टी के साथ है, बिल्कुल ठीक है। इसमें रूफ रेल मिसिंग है? नहीं, रूफ रेल इसमें नहीं लगे हैं, क्योंकि इस गाड़ी में वही काम हुआ है जो जरूरत का है। बिल्कुल, एक दो काम और हो सकता था जैसे डिफॉगर क्रोम, पर क्रोम यह बहुत बच रहे हैं इसलिए क्रोम नहीं लगवाए हैं। अच्छा, क्रोम से बचाया है इस बार गाड़ी को। यस, ये बैकरन जो है ये लगा दिए गए, बैकरन प्रॉपर टेप वगैरह लगा, प्रॉपर टेप लगा के, क्योंकि अगर हम टेप नहीं लगाएंगे तो ये रुकेगा नहीं। ये बम्पर प्रोटेक्टर भी फिटिंग कर दिए गए हैं। अच्छा, बम्पर प्रोटेक्टर यहाँ पे है, बिल्कुल क्या बात। इस पे भी क्रोम आ जाता है यहाँ पे? बिल्कुल क्रोम आ जाता है। ठीक है, आप आइए उधर से, मैं आपको दिखाऊंगा। आप इंटीरियर के बारे में बात करेंगे? बिल्कुल, चलिए इंटीरियर की तरफ चलते हैं। आते हैं मेन टॉपिक। हाँ जी, अब आते हैं इंटीरियर टॉपिक। क्या है इंटीरियर ही लग रहा, सीट कवर वगैरह देख के। सीट कवर आप देखेंगे डायमंड कट में, ये जो है कुछ नया डिजाइन आपको इस बार देखने को मिलेगा। इस बार तो प्रॉपर डायमंड कट लग रहा है, बिल्कुल प्रॉपर 3D डायमंड कट। और इसका फिटिंग जो 0-0 है ना। हाँ जी, हाँ जी, सच में 0-0, यानी जो इस बार जो ये फ्रेम है यानी जो डायमंड कट जो फॉर्मेट जिसे बोलते हैं वो इस टाइम ज्यादा विजिबल हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना दिन का टाइम है, उभर के आ रहा है, उभर के आ रहा है। हाई क्रॉस का बैजिंग भी आपको आज दिखेगा। हाई क्रॉस का बैजिंग मुझे दिख रहा है आज, यहाँ दिख गया। सेंटर कंसोल पे भी सॉफ्ट टच दिख जाएगा। क्या बात है। स्टीयरिंग रैप डबल कलर में है, वो भी आपको दिख जाएगा। अच्छा, स्टीयरिंग रैप डबल कलर में, बिल्कुल बिल्कुल मून डिजाइन जिसे बोलते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग मैट जो है GFX है, ये फिटिंग क्वालिटी काफी बढ़िया होता है, इजी टू क्लीन होता है, इसे आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। यानी करोल बाग में GFX बहुत ज्यादा टॉप लाइफ लॉन्ग मैट में टॉप पर चल रहा है। बिल्कुल, GFX ब्रांड है, एक अलग है, मतलब क्वालिटी है, है ना। यहाँ GFX वालों अगर देख रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन मैट बना रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सच में। और क्या है ना, हम ऐसा नहीं है कि हम उनकी तारीफें कर रहे हैं, जो चीज है वो ना, ना, चीज की तारीफ हो रही है ना, जो उन्होंने बनाई है। और बता दूं आपको, कभी भी आप देखिएगा जिस चीज पे हम दया करते हैं ना, जैसे मान लीजिए रानू मंडल का गाना सुनते थे, पता नहीं कहाँ चली गई, एक बार ही लोग करते हैं, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी और क्वालिटी बनाए रखना पड़ेगा, तभी आगे तक चल सकता है, तभी अच्छा होता है। नाम है तो इसका मतलब क्वालिटी पे बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग, इसके वजह से। ठीक है ठीक है, हाँ जी। वेलकम प्लेट जो है इसका प्लेट बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट से भी इस गाड़ी को वंचित किया गया है। अच्छा, लाइट से वंचित कर दिया, इसलिए वंचित किया गया है। अच्छा, क्योंकि लगता है कि नहीं लाइट नहीं। हाँ, वो हर किसी का टेस्ट अलग होता है, अपना टेस्ट है। हाँ। तो मैं फोर्स बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, ये फोर्स करना भी नहीं चाहिए। चलो, आप जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। तो एक बार उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था सीट कवर काफी बेहतरीन है, एक बार सेकंड रो के बारे में बात करते हैं फिर बढ़ेंगे। क्या है ना, बहुत ध्यान देना पड़ता है सीट कवर पे, ये जो ब्रांड है सोनमोन का सीट कवर पे, ये क्वालिटी पे है। ये देखिए सेकंड रो में भी आप ये देखिए, GFX मैट का फिटिंग काफी बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो पॉकेट पे सोनमोन, एक तो वैसे इस गाड़ी में इतना स्पेस है कि हम आराम से कम्फर्टली जा सकते हैं। जबरदस्त कार है ये, बहुत बड़ी, ऊपर से इतने कंफर्टेबल सीट कवर और लगा दिए, मजा आ जाता है। इंटीरियर जो हम सीट कवर लगाते हैं लुक एक नंबर निकल, ये वैसे डुअल टोन रखी है इसमें, डबल टोन ब्लैक एंड ब्राउन में, गाड़ी भी डबल टोन में ब्लैक एंड ब्राउन का, तो सीट कवर भी ब्लैक एंड ब्राउन का, फुल ब्राउन का भी रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं। और आर्मरेस्ट पे भी वही आ गया, तो भी ये देखिए काफी फिनिशिंग, देखिए आर्मरेस्ट का पीछे वाले थर्ड रो में भी देखिए, उसमें भी फिटिंग बहुत बढ़िया है। लो गाइस, थर्ड रो और आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं कैमरा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाता है। मैं थोड़ा बैठ जाऊं? हाँ हाँ, बैठो 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 बैठो, हाई क्रॉस बैठने के लिए, सेवन सीटर वैसे है, कंफर्टेबल जोन है। आपको वैसे सेवन सीटर ज़्यादा बढ़िया लगता है एट सीटर? मुझे सेवन सीटर, हमें भी सेवन सीटर पसंद है, क्योंकि सेवन सीटर में जो कंफर्ट है ना, वो मेरे हिसाब से एट सीटर में शायद नहीं है, मेरा ओपिनियन है। अपना पसंद होता है, लेकिन मुझे जो कैप्टन सीट है ना, इस पे बैठने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो आप? तो ले लो ना एक फिर। नहीं लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो अब बताइए हमारे व्यूअर्स को, फिर ऐसा कुछ काम करवाने के लिए, इस गाड़ी में कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। हाँ हाँ, पर जो भी काम हुआ है बढ़िया हुआ है, ज़रूरत की चीज़ जो चीज़ें थी ना वो इंस्टॉल, वो सारी इसमें फिटिंग कर दी है, कर दी हैं। बिल्कुल कम से कम खर्चा आया इस गाड़ी में, कम से कम खर्चा आया। अच्छा जी, तो खर्चे को भी देखते हुए काम करा तो है। बिल्कुल ज़रूरी है ना, सामने वाले का जो है उनका बजट जो है लेना ज़रूरी होता है, और ऐसा नहीं है कि बजट कम है तो आप क्वालिटी कम नहीं, एक दो काम आप कम करा लो जिसके बिना गाड़ी चल सके, पर क्वालिटी में ही कराओ काम सारा। बिल्कुल बिल्कुल, कम खाओ पर स्वादिष्ट खाओ। हाँ, ये बात ये तो मेरा मानना है ना, बिल्कुल बढ़िया है आपका मानना। तो अब एक बार बताइए हमारे व्यूअर्स को, ऐसा बजट में और क्वालिटी वाइज अगर काम कराना है तो कहाँ आना होगा? करोल बाग न्यू दिल्ली में। यस यस, ओमकार एक्सचेंज के पास। मैं आपको बताऊँ, आप आइए, आपका बहुत स्वागत है। सोनमोन कार एसेसरीज, शॉप नंबर 48 49, गुरुद्वारा रोड, रोड करोल बाग, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं रटा रटाया। ना ना, अरे मुझे रट गया ना, मैंने कम से कम 150-200 वीडियो मैंने बना ली है अब तक। जी, जी तो रट गया मुझे भी। नहीं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो इस हाई क्रॉस को बनाने में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान है। चलो, हमारा योगदान कहीं तो आ रहा है। बिल्कुल नहीं योगेश जी, 100% आपका योगदान है, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और जो लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए वो आप अच्छे से पहुंचा रहे हो, पहुंच रही है। मतलब निष्पक्षता से बोलते हैं ना, वो बातें आप पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सत्य की एक अपनी ताकत है। बिल्कुल, सत्य ही जीवन है, और सत्य की विजय संभव है, सत्य में विजय थे। चलिए, नहीं नहीं बिल्कुल, एक कॉन्टैक्ट डिटेल और दो, भारत का विजय होना भी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है जी। तो एक कॉन्टैक्ट डिटेल और दो, फिर नंबर बता देता हूँ आपको, 9911-766-958। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9911-766-958। चलिए, तो फिर उन्होंने भैया आपसे बात कर लिया, ठीक है, आपने तो बात बता दिया गाड़ी में क्या का आपने काम कराया, एक बार गाड़ी के ओनर से जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने काम कराया, क्योंकि काम कराएं ओपिनियन उनका जानना भी जरूरी है, जो लोग देख रहे हैं वो भी अब समझेंगे, है ना। चलिए, तो फिर आपसे मिलते हैं किसी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, ठीक है जी, थैंक यू। कैसे हो भैया?
बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, आप आए हो सोनमकार एक्सचेंज के पास और हाई क्रॉस का GX ऑप्शनल वेरिएंट लेकर आए थे, जो कि टोयोटा ने कुछ ही दिन पहले जो है नया इंट्रोड्यूस किया है इसमें हाई क्रॉस में। हाँ जी, और काफी चीजें इस गाड़ी में आती थी, नई एड ऑन किए और कुछ नहीं आती, तो आप उन्हें इंस्टॉल कराने के लिए आए, तो सर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, मेन हमारे जो मोनू भैया हैं इनका नेचर बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, और ये हमारे को मतलब सही सलाह देते हैं कि ये चीज लगवाओ और ये चीज मत लगवाओ, गाड़ी की जो जरूरत होती है उस हिसाब से बताते हैं और प्राइस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो आपने जो जो एक्सपीरियंस इंस्टॉल कराई हैं सर, उनकी प्राइस और क्वालिटी वगैरह कैसे लगी? वैसे प्राइस के बारे में आपने बता ही दिया। क्वालिटी लग तो अच्छी रही है, बाकी अब यूज़ करके अच्छा, पूरा पता लगेगा। वैसे सर आप आए कहाँ से हैं? हम गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से आए, तो यहाँ तक आना यानी सेटिस्फेक्शन वाली बात रही? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? हमारे कई भाइयों ने यहाँ से लगवाया तो उनको काफ़ी तसल्ली थी, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ जाओ, तो मोनू भाई की हमने वीडियोज़ भी बहुत देखी हैं पहले, उससे भी अच्छा यानी सेटिस्फेक्शन वाली बात रही। बिल्कुल 101 पर। थैंक यू सर, आपकी वीडियो हमारे लिए वैल्यूबल रहेगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपका भी दोस्तों ऐसा कुछ भी यानी अपनी गाड़ी में एक्सचेंज इंस्टॉल कराने का प्लान कर रहा है, तो बेझिझक जो है सोनम कार एक्सचेंज का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले पर आपको सोता दिख रहा है, बेझिझक जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यही तो दोस्तों आज की वीडियो में, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।